तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको कोई भी इनविटेशन आता है किधर भी जाने का, और वो रैंडम जगह का होता है, जैसा किसी ने भेज दिया आपको, आप पे उसके ऊपर नाम वाम कुछ नहीं लिखा हुआ है। और ये ज़्यादा करके कब आता है, जब आपके कोई रिश्तेदार की शादी या कुछ इनविटेशन आने वाला हो तो उसके पहले ही आता है। तो आपको लगेगा कि भाई ये इनविटेशन उन लोग नहीं भेजे, लेकिन ये इनविटेशन उन लोग का नहीं होएगा, क्योंकि वो लोग होएंगे तो हमारे इंडिया में है ना आके देते, ऐसा कोई ऐसा रख के नहीं चले जाता, कहते हैं ना ये रखा हुआ होता है। और अगर आपको मिल गया, आप बोलेंगे भाई क्रिसमस पार्टी या तो फिर हैलोवीन पार्टी या तो फिर न्यू ईयर पार्टी या तो फिर शादी का मेरे को इनविटेशन है फ्री में, जहाँ पर बुफे वुफे होएगा और बहुत मज़ा आएगी। और आप अगर वहाँ पर चले गए, आप मतलब आप जाएंगे तो ही देख लेंगे, अगर फिर भी आप में ज़्यादा हिम्मत होती है आप चले गए तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसे देख के आप खौफ में आ जाओगे, आप मर भी सकते हो। क्योंकि ये ना ये एक्चुअल में जिन्स या भूत लोग ज़्यादा करते हैं, और इन लोग इनवाइट करते हैं, और जब इनवाइट एक्सेप्ट हो जाता है तो उन लोग आपके उधर भी आ सकते हैं, आप भी उधर जा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैरी चीज़ है, मैं आप लोग को फुल इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, पूरी वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहले तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एलाइट्स लोग रहते हैं, ज़्यादा करके वो भेजते हैं ये इन्विटेशन, ये जिन्स या एलियंस नहीं रहते, हमारी तरह ही रहते हैं। इन लोग भेजते हैं इल्यूमिनाटीज या तो फिर ये रहते हैं, इन लोग भेजते हैं हमें इन्विटेशन के लिए, क्योंकि इन लोगों को ब्लड सेक्रीफाइस करना होता है। ये ईयर ऐसा है कि भाई हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो न्यू ईयर में लोग को एवरी एक ब्लड सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन लोग है ना ऐसा इन्विटेशन भेजते हो, आप जैसे ही चले जाएंगे उन लोग आपको ख़त्म कर देंगे। इंडिया में तो इतना नहीं सुना, मगर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे 18 साल के ऊपर हो जाते हैं ना बच्चे लोग, तो उन लोग को है ना बोलते जाओ अपनी अपनी ज़िंदगी जियो भाई, हमारे घर से निकल जाओ, पेरेंट्स बोलते हैं, और पेरेंट्स बोलने के पहले बच्चे लोग ही निकल जाते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसा करने जाते हैं, मगर देसी लोग फिर देते फटके। तो है ना इसके अंदर कैसा होता है कि ना अभी जैसे ही आदमी अकेला हो गया, ना पेरेंट्स किसी को पूछते हैं, ना बच्चे लोग किसी को पूछते हैं, तो वो टाइम के अंदर है ना लोग है ना ऐसा इनविटेशन भेजते हैं। लोग पहले स्टडी कर लेते हैं कि ये आदमी को ज़्यादा लोग पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, ये फेमस है कि नहीं है, फेमस है तो हमारे ग्रुप में ले लो, अगर नहीं है तो फिर इसको मार दो। तो लोग ब्लड सेक्रीफाइस करने के लिए ना एक इन्विटेशन भेजते हैं, शायद 31st नाइट का भेजेगा आपको, या तो फिर आपको 25th क्रिसमस की पार्टी का भेजेगी। अभी अगर आप अकेले हो, आपका कोई दोस्त नहीं, आपको इन्विटेशन आ गया, तो आप तो बोलेंगे मैं तो जाऊँगा ही, वापस जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे भाई बड़ी पार्टी होगी, मज़ा आएगी, दोस्त लोग बनेंगे मेरे नवे, न्यू ईयर के टाइम पे बहुत अच्छी बात है। और पूरी दुनिया न्यू ईयर पार्टी करती है, न्यू ईयर पार्टी इंडिया में तो होती है, फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत एक्सट्रीम होती है। तो न्यू ईयर पार्टी में जो जो नहीं जाता है, जो घर में रह जाता है, उन लोग को है ना उन लोग बहुत मजाक उड़ाते कि तेरा कोई दोस्त नहीं है, तेरी इज्जत ही नहीं है। तो वैसा करके ना उन लोग जो जिन लोग की इज्जत नहीं रहती है, मतलब जो ऐसा बोलते हैं जिन लोग की इज्जत नहीं है, जो लोग नहीं जा पाते पार्टीज में मेरी तरह, तो उन लोग क्या करते हैं मैंने मैं उन लोग ऐसा अभी इन लोगों को इन्विटेशन आता था तो बोलते चल अपन उधर चले जाएंगे, अपने दोस्त वोस्त किसी ने भेजाएगा, कोई सीक्रेट एडमायर होएगा। अब जैसे ही वहाँ पर आप चले जाएंगे तो इल्यूमिनाटी लाइट्स लोग रहेंगे, मास्क पहन के आपको भी मास्क देंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपको हिप्नोटाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे आपका कर देंगे, क्योंकि उन लोग को ब्लड सेक्रीफाइस करना होता है। और फिर उन लोग को जैसे ही ब्लड मिल जाएगा उन लोग डेविल को चढ़ाएंगे, आपकी सोल भी मतलब ना हेवन जा सकती है ना हेल जा सकती है, आप फंस जाएंगे। इससे अच्छा कुछ भी इनविटेशन आवे ये सब टाइम पे और आपके पहचान वाले का है ही नहीं तो जाना ही नहीं पहली बात। तो अगर आपको फिर भी जाना है तो आप थोड़ा क्या बोलूँ मैं, देख संभाल के जाना, क्योंकि लोग ज़्यादा करके ऐसी जगह पर रखते हैं जो गुमसान रहती है, मगर आप अंदर जाएंगे तो बहुत एक्सट्रीम बड़ी पार्टीज रहती है। अभी मैं आप लोग को एक रियल टॉपिक के बारे में बताऊँगा, ये मैंने शॉर्ट्स पर बताया हो, ये एक है ना एक्चुअली लड़की चले गई थी जींस की पार्टी में और उसको खुद को नहीं मालूम था, ये मैं ना अभी बताने वाला हूँ आप लोग को, तो देखना वीडियो कंटिन्यू करना, बहुत मज़ा आएगी, रोमांचक वीडियो बना रहा हूँ आज मैं। कहानी कहते हैं कि ना एक लड़की की कतर में रहती थी या कुवैत में रहती थी, जो बहुत बड़ी सिंगर थी, कहते वो इतनी बड़ी सिंगर थी कि ना जितनी भी शादियाँ होती थी और कुछ भी होती थी तो उसको ही बुलाते थे कि भाई तू, उसको बहुत ज़्यादा पैसे भी देते थे। जैसे हमारे इधर फाल्गुनी पाठक आती है, हमारा डांडिया सेशन रहता है, तो पूरी दुनिया को उसके पास ही जाना होता है और पूरी दुनिया को उसको बुलाना होता है कि भाई तुम इन्विटेशन में आओ, आप गाना गाओ, जैसा डांडिया के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे फाल्गुनी पाठक आती है। तो वैसे ही ना ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की थी, वापस से शादियों में जाके गाना गाती थी, कोई एल्बम वेल्बम नहीं निकालती थी, तो इसको है ना बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, तो इसके पास डेट्स नहीं होती थी। अभी एक दिन इसकी खुद की कहानी है ये एक दिन बोली कि ना मैं बैठी थी, मैं उसका नाम नहीं ले सकता शायद कॉपीराइट आ जाएगा, तो बोली कि मैं एक दिन बैठी थी मेरे घर के अंदर और मेरे को घंटी बजी, तो मैं घंटी के जैसे ही दरवाज़ा खोलने गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर नीचे से ना एक एनवेलप स्लॉट था, तो वो एनवेलप स्लॉट पर ना मेरे को एक एनवेलप आया जो बहुत ज़्यादा मोटा था। बोले
मैंने बोला एनवेलप खोली तो उस पर एक डेट लिखा हुआ था और है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो मैं जब पैसे गिनने लगी तो जितने मेरे को बोले एक क्लाइंट देता था उससे बोले 10 गुना ज़्यादा पैसे थे उसमें। और उस पर लिखे लगता कि ये डेट को खाली रहना, इधर इधर लोकेशन पे ये टाइम पे आ जाना, आपको गाना गाना है। तो ये बोली ठीक है मैं चले जाऊंगा। ये हमेशा ना अकेले जाती थी या उसके बैंड को लेके जाती थी, लेकिन इसके अंदर इनविटेशन में ना स्पेसिफिकली लिखेला था कि हम लोग ने बैंड को ऑलरेडी बुला लिया, तुमको अकेले आना है। तो ये बोली ठीक है चल, मैं जो भी होगा इतने पैसे मिलेंगे तो कोई भी जाएगा। अभी समझ जाओ तुम्हारे महीने की कमाई है 10,000 रुपये, अभी तुमको 1,00,000 रुपये मिल गए तो आप तो बोलेंगे भाई मैं 1,00,000 के पास जाता हूँ, 10,000 क्यों लूँ। तो वैसे एक ग्रीडीनेस आ जाती है। अभी ये इसकी रियल कहानी है, ऐसा झूठ भी नहीं है। ये कुवैत की सिंगर के बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो गई वहाँ पर, कहते कि ना जब वो गई थी उसने ना लोगों से मिली, बहुत खुश हो रही थी और लोग भी बहुत खुश थे, वो लोग सब गा रहे थे, डांस कर रहे थे, ये भी गा रही थी, फुल इन्जॉयमेंट चल रहा था। बोले ना मैं इतनी पार्टी में एंग्रॉस हो गई थी कि मैं किसी को बराबर से देख रही नहीं थी, बस लाइफ मेरी इंजॉय कर रही थी। थोड़े टाइम बाद है ना क्या हुआ मालूम, मैं उसने बोली कि ना मैं अचानक ना ऐसा गाते गाते नीचे देखी लोग के पैरों पर, तो बोले पैर ही नहीं थे किसी के भी, सब ऐसा फ्लोट हो रहे थे हवे में। तो मैं थोड़ा बोले घबरा गई, मेरे को लगा ऐसी कोई थीम पार्टी रहेगी कि बोले ऐसा शूज़ वूज़ पहनना आएगा। तो बोले मैं जाके ना मेरे जो वेटर वेटर वापर रहता उसको बोली, तो वेटर है ना एकदम अलग दिख रहा था, तो उसने बोला उसने एकदम अलग भाषा में बात करने लगा। तो बोले मैं ना बहुत घबरा गई थी और मैं निकल के भाग गई। बोले नेक्स्ट डे मैं बोली वापर वापस जाऊंगी, तो गई तो बोले जो जगह एकदम ब्यूटीफुल पैलेस था, इतना ब्यूटीफुल कि आप देख के बोलेगे यार इससे ब्यूटीफुल जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी। बोले वो इतना ब्यूटीफुल पैलेस जो था, बोले वो नेक्स्ट डे जग गई ना तो ब्यूटीफुल पैलेस वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ पर खंडेर घर था एक। और बोले जैसे ही मैं अंदर गई ना तो एक नोट पड़ा था, बोले वो नोट उठा के देखे तो उस पर लिखे लगा था कि हम लोग एक जिनों की कॉम है जो तेरे को बुलाए थे और तूने हम लोग की पार्टी में बहुत अच्छा गाई जिसकी वजह से हम लोग बहुत खुश है। और बोले उसके आगे लिखा हुआ ही नहीं था, कहते कि वो सिंगर वही टाइम के बाद से गाना गाने ही बंद कर दी शादियों में। इतनी खौफनाक कहानी है ये, इसलिए बोलते कोई भी इनविटेशन आता है तो आपको जाना नहीं चाहिए, ये सिंगर को आगे अपना क्या इज्जत है। तो ये थी वीडियो, अगर आपको ऐसी टॉपिक्स के ऊपर और चाहिए कि आपको इनविटेशन के ऊपर और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि मेरे को ऐसा और चाहिए। मेरे को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स आ रहे हैं लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा किसका स्पॉन्सर लूँ, क्योंकि सब एफिलिएशन प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हैं, मेरे को एफिलिएशन समझ नहीं आता है। तो आप लोग बताओ आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है जो जिसका मैं प्रमोशन लेके आप लोग को दूँ, जो आप खरीद सकते हो बाय कर सकते हो, या कितने रुपीज़ तक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मेरे को बताओ तो मैं वो प्रमोशन लूँगा। वो प्रमोशन से मैं क्या करूँगा, जितने भी पैसे आएंगे मैं ज़्यादा करके तो गिव अवे कर दूँगा, बाकी जितने भी आएंगे तो मैं जाके ट्रैवल करके व्लॉग बनाऊँगा उसके ऊपर। और मैं एक और एक नवा चैनल खोल रहा हूँ, शायद खोल दियाऊँगा ये टाइम पर, आज के दिन पर भरोसा नहीं, या कल खोलाऊँगा या कल खोलूँगा। तो उसके अंदर है ना गेस्ट आएंगे और मैं ना उन लोग से बात करूँगा कॉन्स्पिरेसी और स्टोरीज़ के बारे में, और मतलब उन लोग का भी रिएक्शन लूँगा, उन लोग की भी स्टोरीज सुनूंगा, बहुत अमेजिंग होने वाला। अभी तो स्टार्ट में तो मेरे भाई लोग ही, कजन्स है, छोटे भाई है, दोस्त लोग है, बड़ा भाई है, तो ये सब रहेंगे, मगर फ्यूचर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, टीम 7 आ सकती, कोई भी आ सकता है भाई, मैं बोल रहा नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो जो करना बोला वो करो, और अगली बार मिलते हो, आप लोग को कुछ ऐसा इनविटेशन आएगा तो कमेंट करो, मैं उसकी स्टोरी में सुनूंगा।